तो फ्रेंड्स, आज मैं राजकोट से जूनागढ़ के लिए निकल गई हूँ। मम्मी भी मेरे साथ हैं। कल साइक्लोन की वजह से यहाँ बहुत बारिश हुई थी, तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ट्रैवलिंग में मम्मी के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। जूनागढ़ जाने के बाद हम लोग वहाँ के फेमस काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, और एक मम्मी के लिए सरप्राइज़ भी है। तो आप लोगों भी व्लॉग में बने रहिएगा और बहुत भी मज़ा आने वाला है। मैं जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो ट्रैवलिंग में मैं ज़्यादातर सोती नहीं हूँ, तो ये नेचुरल सीनरी देखने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 1-1.5 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद फाइनली गुजरात का ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ में हम पहुँच गए हैं, जहाँ मैं जॉब करती हूँ। जूनागढ़ नवाबों का शहर है और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी जब मैं जूनागढ़ में बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस की विजिट करवाऊँगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। ये सरोवर पोटिका होटल जूनागढ़ का बहुत ही फेमस होटल है, और ये जूनागढ़ जंक्शन का एरिया है। यहाँ जूनागढ़ का मेन रेलवे स्टेशन है और टूरिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सभी ट्रेनें जाती है और यही ट्रेन यहाँ रुकती है। अब हम गांधी चौक पहुँच गए हैं। ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच में स्थित है, और अगर आप जूनागढ़ में घूमने के लिए आते हैं और या जूनागढ़ में रहते हैं आप, तो यहीं से आपको रिक्शा बसेस वगैरह मिल जाएगी और ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के नज़दीक पड़ेगा। तो अब हम बस स्टैंड से सीधा हम मोतीबाग तरफ जा रहे हैं, जहाँ मेरा घर है। तो ये गुजरात की बहुत बड़ी फेमस और ऐतिहासिक बाउदीन आर्ट्स एंड साइंस गवर्नमेंट कॉलेज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह में हम राजकोट से जूनागढ़ आ गए हैं, मम्मी भी साथ में आए हैं। तो मैं कॉलेज जाकर आई, कॉलेज का काम कुछ ख़त्म किया और उसके बाद अब घर आए हैं। तो थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद यहाँ का काठियावाड़ी रेस्टोरेंट है, पटेल रेस्टोरेंट। वहाँ गुजराती और काठियावाड़ी खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं और मम्मी दोपहर का लंच हम वहाँ करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या ऑर्डर करते हैं और कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे पटेल रेस्टोरेंट, जो जूनागढ़ का गुजराती डिश के लिए बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ खाने के लिए मिलती है और अनलिमिटेड डिश कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि पटेल रेस्टोरेंट का फूड कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी पटेल रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप लोगों को वहाँ जाके ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं और मम्मी मेरी एक्टिवा लेकर ही जाते हैं, तो एक्टिवा लेके बस हम पटेल डाइनिंग हॉल तरफ निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली द ग्रैंड पटेल डाइनिंग हॉल में हम पहुंच गए हैं। यहाँ की अनलिमिटेड गुजराती डिश बहुत ही टेस्टी होती है, और ये बस स्टैंड के एग्जिट ऑपोजिट साइड में ये पटेल डाइनिंग हॉल है। तो फ्रेंड्स, अभी जूनागढ़ की जो मोस्ट फेमस गुजराती डिश का रेस्टोरेंट है पटेल रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम आ गए हैं। और खाने में आज हमने अनलिमिटेड जो डिश है यहाँ की बहुत फेमस है वो ली है। तो खाने में क्या क्या है ये वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज की डिश में हमें सर्व किया था सूखी आलू की सब्जी, चने की दाल, भरवे बैंगन, सेव टमाटर की सब्जी, दाल राइस की दाल, आम का रस, सलाद, पापड़, फ्रैम्स और पूरी, और जामुन और आम रस है वो हमने एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि ये डिश में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये डिश उन लोगों ने हमें सर्व की थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि डिश का टेस्ट कैसा है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना कंप्लीट हो गया है और अब हम घर पे जा रहे हैं।
और यहाँ की जूनागढ़ की पटेल रेस्टोरेंट की गुजराती डिश बहुत ही फेमस है। तो जब भी आप जूनागढ़ आ रहे हैं तो बस स्टैंड के एग्जिट सामने ऑपोजिट साइड पर पटेल रेस्टोरेंट है, बहुत ओल्ड ब्रांच है इसकी, पर खाना बहुत अच्छा मिलता है और प्योर काठियावाड़ी भोजन आपको मिलेगा। तो भोजन में क्या क्या था वो मैंने आपको आगे क्लिप में दिखाया है। तो जब भी आप जूनागढ़ आ रहे हैं तो एक बार ये खाना ट्राई करना, क्योंकि इसका खाना बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होता है और ये काठियावाड़ी डिश भी बहुत टेस्टी रहती है। पटेल डाइनिंग वर्ल्ड बस स्टेशन कॉम्प्लेक्स 2007 की हमारी ओपनिंग है। हमारी बीजी ब्रांच शकरबाग नी सामे द ग्रांड पटेल। हमारे गुजराती ओनली गुजराती थाळी सर्व करवामां आवे छे। खाना खाने के बाद सीधा घर गए, थोड़ा रेस्ट किया और मम्मी को लेके यहाँ सबसे अच्छा थिएटर है सूरज सिनेप्लेक्स, वहाँ लेकर मम्मी को आई हूँ मैं। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है और ये मम्मी और मैं दोनों आज आदि पुरुष देखने वाले हैं और ये मम्मी के लिए छोटा सा सरप्राइज था। तो सूरज सिनेप्लेक्स में एंटर होने के बाद यहाँ का टिकट काउंटर है, जिन लोगों को ऑफलाइन टिकट चाहिए वो यहीं से लेते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक की थी इसीलिए हमें स्क्रीन 2 में फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। यहाँ 5 स्क्रीन का थिएटर है, गेम जोन है, जिम भी है और स्क्रीन 1 और 2 ऊपर है, तो हम लोगों को ऊपर जाना होगा। यहाँ जो भी लोग आदि पुरुष मूवी देखने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए सूरज सिनेप्लेक्स का सेल्फी पॉइंट लगा हुआ था, तो मैंने और मम्मी ने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आदि पुरुष मूवी देखने के लिए आ गए हैं, आप मेरे पीछे इसका होर्डिंग भी देख सकते हो। तो यहाँ अभी हाफ एन आवर की देरी है, हाफ एन आवर के बाद हमें स्क्रीन 2 में अंदर जाने के लिए हमें जगह मिलेगी। अभी सूरज प्लेक्स थिएटर में हम लोग आए हैं और दोपहर 3 बजे का शो है। Few moments later. तो अब मैं और मम्मी मूवी देखने के लिए अंदर जा रहे हैं।